गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स दिस इज एमडी वेलकम टू माय चैनल एकेडमी आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज इससे पहले इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं अबाउट द 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 24 से लेके अप टू

पेड ग्रुप को भी आप लोग बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे खरीद सकते हैं और बहुत ही कम वक्त में प्रिपरेशन को कर सकते हैं तो चलिए है, आज का वीडियो शुरू किया जाए। आज का जो है तो ट्वेंटी फोर नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन इन द टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट यानी मॉरल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है बच्चों को पढ़ाने में

ये ऑप्शन नंबर डी मॉरल एजुकेशन मेक्स मैन ग्रेट मैन मॉरल एजुकेशन एक आदमी को एक अजीम एक अच्छा आदमी बनाता है तो इसका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ओके मॉरल एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टर ओके तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग मेरे कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मिनिमम अमाउंट पे हम आप लोग खरीद सकते हैं पूरा कंप्लीट कोर्स फॉर डब्ल्यू बी प्राइमरी टेट ऑल सब्जेक्ट के लिए और बहुत ही कम वक्त में अपने preparations को अच्छी तरीका से कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी स्कूल में क्या होता है बच्चों से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हटा के यानी को हटा करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल के स्कूलों में वाई इसका मेन रीजन क्या है ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन नंबर वन फॉर टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम टू द स्टूडेंट यानी बच्चों को टाइम के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ऑप्शन में भी फॉर डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम यानी ज्यादा टाइम में फॉर मोर वर्क इन लेस टाइम फॉर वर्क टाइम में क्वेश्चन नंबर सी फॉर नोइंग आंसर ऑफ मोर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर को मालूम करने के लिए जानने के लिए ऑप्शन नंबर डी इट इज मोर इट इज मोर कन्वीनियंट यानी बहुत ही कन्वीनियंट है आंसर शीट आंसर शीट में इसको सोल्व करना बहुत ही ईजी रहता है तो इसका कौन सा आंसर सही होगा yes, क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर नंबर सी ओके फॉर नोइंग आंसर फॉर मोर क्वेश्चन यानी कम समय में ज्यादा क्वेश्चन का आंसर मालूम करना है तो आज से ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर से लेके 30 नवंबर तक ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस का सब सब्जेक्ट का ये चलेगा तो प्लीज आप लोग इस चैनल को फॉलो करें और अपने प्रिपरेशन को अच्छी से बूस्ट करें ओके फिर आपको वन दिसंबर से फिर आपको सजेस्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियोज में और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ठीक है तो प्लीज आप लोग फॉलो करें क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स आर टेकन टू एजुकेशनल टूर स्टूडेंट्स

ऑप्शन नंबर डी द स्टूडेंट्स कैन एंजॉय क्या स्टूडेंट वहां पे जाकर के एंजॉय करेंगे तो इसका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ओके ऑप्शन नंबर सी इज द द द राइट आंसर स्टूडेंट्स कैन गेट नॉलेज फ्रॉम इट यानी जहां पे घूमने जाएंगे जहां पे टूर करने जाएंगे वहां से कुछ नॉलेज गेन करेंगे और रियल वर्ल्ड से उनको जोड़ा जाएगा जिससे उनका इमेजिनेशन पावर को डेवलप होगा क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन स्टूडेंट्स could could not not answer 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 your your questions, questions, questions okay? If our students could not answer your questions, as a teacher student कुर ये आपकी क्या राय है ऑप्शन देख लेते ऑप्शन नंबर वन द टीचर शुड टेल द आंसर टीचर को चाहिए उसका आंसर बता दे ऑप्शन नंबर बी द टीचर शुड नॉट सॉरी दूसरे मैनर से पूछे ऑप्शन नंबर सी दूडेंट्स द टीचर शुड आस्क दे उस क्वेश्चन को बार बार पूछे या ऑप्शन नंबर डी द टीचर शुड गिव द आंसर आस्क द रिमेंबर आस्क टू रिमेंबर टीचर को चाहिए उसका आंसर दे दे और उससे बोले कि तुम इसको याद रखो तो इसका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी ओके ट्वेंटी सेवन का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी टीचर शुड गिव द आंसर, टीचर को चाहिए उसको आंसर दे दे और उससे बोले कि तुम इसको याद रखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इन दिस कॉन्टेपरिरीमेंट ओके ही इज द सक्सेस मॉडर्न ड्रेसेस एंड कम्स इन द्लास मॉडर्न ड्रेस पहन करके क्लास में आता हो ऑप्शन नंबर बी कम्स विद मोबाइल और पेजर इन द्लास मोबाइल और पेजर को क्लास में लेकर के आता हो ऑप्शन नंबर सी

तो इसका जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ओके यानी एक टीचर को ऐसा खूबी होना चाहिए ऐसा क्वालिटीज होना चाहिए कि बच्चों से जल्दी इफेक्टिव मैनर में कांटेक्ट कर ले और बच्चों को सीखने पर आमादा करे ओके okay? बच्चों के अंदर क्यूरिसिटी पैदा कर दे जिससे बच्चे सीखने में और उसको ईजी हो और टीचिंग लर्निंग मेटेरियल को बहुत ही ईजी मैनर में सिखाए ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस इस के क्वेश्चंस डब्ल्यू प्राइमरी टेट में और अदर टेस्ट में पूछे जाते हैं 1 दिसंबर से हम लोग सजेस्टिव क्वेश्चंस को सब सब्जेक्ट से रिलेटेड सजेस्टिव क्वेश्चन सजेस्टिव नोट्स को फॉलो करेंगे ओके okay? अभी से लेके 10 दिन 30 नवंबर तक फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को पूछा जाएगा ओके okay? करवाया जाएगा वीडियोस में क्वेश्चंस 29 व्हाट शुड टीचर डू बिफोर द टीचिंग द लेसंस एनी टीचर को टीचर को करना चाहिए टीचिंग द लेसन टीचिंग लेसन पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए कोई भी लेसन को पढ़ाने से पहले ऑप्शन नंबर वन लेसन शुड बी रीड बाई स्टूडेंट्स लेसन को चाहिए कोई भी किसी भी स्टूडेंट से पढ़ा दे ऑप्शन नंबर बी ही शुड टेल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन उसको कहना चाहिए लेसन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव सबसे मेन मकसद क्या है लेसन जो लेसन वो पढ़ाने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी ही शुड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट चाहिए कि लेसो में जो जितने भी मुश्किल अल्फाज है जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स है उसका मीनिंग बता दे पहले ऑप्शन नंबर डी ही क्वेश्चन लेसन फर्स्ट उसको चाहिए कि लेसन में जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन है उसका आंसर पहले बता दे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट right होगा आप लोग इसको गेस कीजिए ट्वेंटी yes, नाइन का जो राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ओके ही होगा कि मेरा यानि इस को क्या है और ऑब्जेक्टिव जब लेसन प्लान हम लोग बनाते थे उसमें टू टाइप्स का ऑब्जेक्टिव रहता है एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओके okay, तो टीचर को चाहिए कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव बता दे बोल दे क्वेश्चन नंबर थर्टी वट शुड टीचर डू आफ्टर दीचिंग लेसन टीचर को क्या करना चाहिए कोई भी ऑप्शन को okay? देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी ही शुड गिव दैम आंसर ऑफ द्वेश्चन ऑफ द लेसन उसको चाहिए की जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे दे जो लेसन में पढ़ाया है उसका क्वेश्चन का आंसर दे दे ऑप्शन नंबर सी ही शुड उसको छोड़ दे कोई उस लेसन को कुछ नोट बोर्ड पे लिखा हो लिखे या नहीं लिखे उसको छोड़ दे कुछ ज्यादा केयर ना करे ऑप्शन नंबर डी हीस्टैंडिंग ही शुड टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट उसको चाहिए कि बच्चों को बच्चो बच्चे कितना सीखे हैं उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट ले जिससे समझ में आए कि बच्चा कितना लेसन को सीखा है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यस yes. तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ओके okay. टीचर को चाहिए कि उसको छोटा सा एक टेस्ट ले कि बच्चे कितना उस लेस को सीखे क्वेश्चन नंबर हाउ विल यू टीच टू वीक स्टूडेंट ओके एज ए टीचर आप हो तो आप कमजोर बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा आपका टीचिंग का प्रोसेस क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यू विल गिव अ न्यू बुक

गेट सक्सेस आप उसको हमेशा बोलिएगा जो हार्ड लेबर करेगा वही फ्यूचर में सक्सेस होगा तो एज ए टीचर चूज कीजिएगा उसको बोलिएगा उसको इनकरेज कीजिएगा के जो हार्ड लेबर करते हैं वही सक्सेस पाते हैं ओके okay? ये बात डेली बोल बोल के बोलबुल और उसको लर्निंग में हेल्प भी करना है और ये बात बोलते रहना उसको मतलब इनकरेज करते रहना है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी टू जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा हाउ विल वी स्टॉप दैट स्टूडेंट्स हु आर नॉटी ओके आप कैसे एक नॉटी बच्चे को स्टॉप कीजिएगा रोकिएगा उसको संभालिएगा एंड टेक्स इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस और उस और आप उसको लेके कुछ ऐसा स्टेप उठाइएगा जो कि इनटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस में हो यानी मतलब उससे रोका जाए कुछ बुरी आदतें हैं उसको रोका जाए कैसे अगर आप एज ए टीचर हो ऑप्शन नंबर वन रिगोरस पनिशमेंट आप उसको मतलब खतरनाक पनिशमेंट दीजिएगा एंड आफ्टर इम्प्रूवमेंट टीचिंग हिम और अपनी टीचिंग टीच को इम्प्रूवमेंट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यू विल अबाउट द डिजीज विच आर एरो विद इट, इट आफ्टर टीच हिम यानी आप उसको यानी आप उसको बोलिएगा कि उस बीमारी के बारे में इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस लग रहा है उसको कुछ बीमारी है ये जैसे क्वेश्चंस देखना होगा हम्म तो यू विल टेल हिम अबाउट द डिजीज उस बीमारी के बारे में बोलिएगा व्हिच आर द एरोजिन विद इट इसके साथ जो बीमारी है एंड आफ्टर उसके बाद उसको पढ़ाइएगा ऑप्शन में सी यू विल टेक हिम इनटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस देन डिशिम आप

तो intoxicated तो इसका राइट right ऑप्शन बताया जा रहा है यू अबाउट द डिजीज आप उसको उस बीमारी के बारे में बोलिएगा जो वो intoxicated यानी वो जो कुछ बीमारी उसका है या वो जो नशा है वो कोई लग रहा है प्लीज आप लोग इसका जो राइट right ऑप्शन इसका राइट right ऑप्शन तो बी हो रहा है बट intoxicated सब्सटेंस का आप लोग इसको जरा सा मीनिंग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ओके okay? intoxicated आई थिंक इसका कोई लग रहा बुरी आदत है तो इसलिए इसका ऑप्शन हो रहा होगा यू विल टेल हिम अबाउट द डिजीज आपको आपको उस बीमारी के बारे में बोलना है आर आरोजन विद इट जो उसके साथ हो रहा है एंड आफ्टर टीचिंग उसके बाद उसको पढ़ाएगा ओके okay, तो इसका आंसर है बी तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस ये कुछ पैडागोजिकल क्वेश्चन थे और फैक्चुअल क्वेश्चन को फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे या पैडेलॉजिकल क्वेश्चन को तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहे और अपने प्रिपरेशन्स को बूस्ट कीजिए और एक दिसंबर से सजेस्टिव क्वेश्चन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को प्रोवाइड किया जाएगा तो प्लीज़ आप लोग अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और पेड कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको व्हाट्सअप करें आपको नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स